हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ फॉर योर कंटिन्यूअस स्टडी। अवर स्कूल प्रोवाइड्स यू ऑनलाइन क्लासेस। यू ऑल्सो हैव टू कॉपरेट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। नाउ वी शुड कम टू वर्क अवर पॉइंट। सो वी स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ EVS। अवर टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग फैमिली रिलेशंस। वी ऑल आर स्टेइंग इन अवर फैमिलीज। Some have nuclear family and some have joint family. In this video, we will talk about it. Now, definition of family. जैसा कि आप सभी को पता है कि हम family में रहते हैं, जहाँ एक से ज़्यादा लोग होते हैं. Now, the definition is a specific group of people that may be made up of partners, children, parents, uncles, aunts, cousins and grandparents. जहाँ पे पार्टनर्स, चिल्ड्रंस, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स, कजन्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उन्हीं के ग्रुप को फैमिली कहा जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ फैमिली इज अ सेट ऑफ पेरेंट्स लिविंग विद देयर चिल्ड्रन। और फैमिली का मेन एग्जाम्पल यही है कि जहाँ पे चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हैं, उसी को ही फैमिली कहा जाता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिली। फर्स्ट इज न्यूक्लियर फैमिली एंड द सेकेंड वन इज जॉइंट फैमिली। नाउ वी नो अबाउट न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? न्यूक्लियर फैमिली इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली को ट्रेडिशनल फैमिली भी कहा जाता है। ट्रेडिशनल मीन्स अ फैमिली इज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली अ कपल, दैट इज मदर एंड फादर एंड देयर चिल्ड्रन। न्यूक्लियर फैमिली मीन्स कि जहाँ पे फादर मदर हो और वही अपने चिल्ड्रंस के साथ में रहे एक ही घर में, उसी को हो न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। द थर्ड पॉइंट इज न्यूक्लियर फैमिली डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट, आंट्स और अंकल। और न्यूक्लियर फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, आंट, अंकल ये सब नहीं आते हैं। नाउ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंडेड फैमिली। जॉइंट फैमिली को एक्सटेंडेड फैमिली भी कहा जाता है। एक्सटेंडेड फैमिली मीन्स बहुत बड़ी फैमिली जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं और वो एक ही घर में रहते हैं। द सेकेंड वन इज अ फैमिली यूनिट दैट इंक्लूड्स टू और मोर जनरेशन। इसमें क्या होता है जॉइंट फैमिली में कि दो या दो से ज्यादा जनरेशन एक ही घर में, एक ही साथ में, एक यूनिट के साथ रहती है। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स, अंकल्स एंड कजन्स ऑल लिविंग इन अ सेम हाउस होल्ड। जहाँ पे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, कजन्स सभी एक ही घर में, एक ही छत के नीचे साथ में रहते हैं, उसी को जॉइंट फैमिली कहा जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट न्यूक्लियर फैमिलीज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नाउ द एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली मेक मेंबर्स ऑफ फैमिली मोर रिस्पॉन्सिबल। न्यूक्लियर फैमिली में हर मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि मेंबर्स कम होते हैं और इसीलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होती है। द सेकेंड वन इज स्मॉल फैमिलीज हैव लेस फाइनेंशियल नीड। स्मॉल फैमिली में कम लोग होते हैं तो उनकी फाइनेंशियल नीड्स भी कम होती हैं, लेस होती है। द थर्ड वन इज यंगस्टर्स प्रेफर फ्रीडम रेस्ट्रिक्शन चूज न्यूक्लियर फैमिली। यंगस्टर्स जो होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, वो आजकल फ्रीडम चूज करना चाहते हैं और उन्हें रेस्ट्रिक्शन पसंद नहीं होती है, इसीलिए उन्हें न्यूक्लियर फैमिली पसंद है। द डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली इज फर्स्ट अदर रिलेटिव्स डू नॉट लिव इन द होम टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट। अदर रिलेटिव्स जो हमारे कजन्स वगैरह होते हैं, अंकल आंट्स जो होते हैं, गार्जियंस जो होते हैं, वो हमारे साथ नहीं रहते हैं, इसलिए हमें एडिशनल सपोर्ट भी नहीं मिल पाते हैं न्यूक्लियर फैमिली में। द सेकेंड वन इज चिल्ड्रन ऑफन लैक अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्किल फ्रॉम द ओल्डर जनरेशन। और ओल्डर जनरेशन इट मीन्स जो हमारे गार्जियंस होते हैं, जो हमें न्यू स्किल्स सिखाते हैं, जो अपनी बातें बताते हैं, वो हम सीखने में लैक कर जाते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट जॉइंट फैमिली। एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट फैमिली। द फर्स्ट वन इज जॉइंट
people have more people, so more support in case of crisis. Joint family में बहुत सारे people होते हैं, तो जब problems आती है, crisis होती है, तो उन्हें ज़्यादा support मिल पाता है. The second one is joint families are more wealthy as more earners are in place. और joint family जो होती है more wealthy होती है, because वहाँ पे बहुत सारे अर्नर्स होते हैं, कमाने वाले ज़्यादा होते हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि जॉइंट फैमिली वेल्थी ज़्यादा होगी. द थर्ड वन इज़ मोर अफेक्शन एंड लव बिटवीन फैमिली मेम्बर्स. और जब एक साथ रहते हैं तो फैमिली मेम्बर्स के बीच में लव भी बहुत ज़्यादा होता है. Disadvantages of joint family. First one is, as a large family, everyone has to live in limited space. बड़ी फैमिली होती है तो हमें लिमिटेड स्पेस में ही रहना पड़ता है. Second one is, high earning members often insult the low earning members. Generally होता क्या है कि कोई ज़्यादा कमाता है, कोई ज़्यादा earn करता है, तो वो low earners की insult करता है. And the third one is, jealousy is also very common in people when they are living under one roof. अगर खूब सारे people एक ही roof के नीचे रहेंगे या एक ही घर में रहेंगे, तो jealousy भी बहुत common सी चीज़ है जो people के अंदर आ जाती है, family members के अंदर आ जाती है. सो अभी तक हमने जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, फैमिली क्या होती है, उन सब के बारे में पढ़ा. अब हम एक नए टॉपिक पे आते हैं. सो आर न्यू टॉपिक इज अडॉप्शन. अडॉप्शन मतलब गोद लेना. आप अपने आसपास में कभी देखा होगा या फैमिली में कभी देखा होगा कि जो पेरेंट्स होते हैं वो किसी बेबी को गोद लेते हैं, चाहे किसी से, अपने फैमिली मेम्बर से लो या किसी और से लो. तो हम उसके बारे में बात करते हैं. तो डेफिनेशन होती है अडॉप्शन की, व्हेन लीगल प्रोटेक्शन इज गिवन टू एनी रिलेटिव्स चाइल्ड और एनी अदर चाइल्ड, इट इज कॉल्ड अडॉप्शन. मतलब जब किसी रिलेटिव के चाइल्ड को या किसी दूसरे के चाइल्ड को अडॉप्ट कर लेते हैं लीगली, तो उसे अडॉप्शन कहा जाता है. सो अब हम बात करते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स के बारे में. जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे आसपास वाले या हमारे घर वाले भी ऐसा कहते हैं कि आपके जो कैरेक्टर्स है आपके मॉम से जुड़ते हैं या आपके डैड से जुड़ते हैं. हम ऐसा सुनते भी हैं और दूसरों को कहते भी हैं. तो हम हेरिडिटी कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं. सो हेरिडिटी कैरेक्टर्स इज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड इन द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर parents and grandparents. These characters are known as heredity characters. ऐसे physical characteristics जो children के अंदर उनके parents से या grandparents से आते हैं, उन्हें heredity characters कहा जाता है. And this phenomenon is called inheritance. और इस phenomenon को, इस process को inheritance भी कहा जाता है. That is transfer of characteristics from generation to generation. It means कि characteristics का transfer होना generation to generation में, उसी को inheritance कहा जाता है. अब हम कुछ scientist के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने इन characteristics को खोजा था. The first scientist is Gregor John Mendel. Gregor John Mendel has done a lot of experiments on the pea plant and he formulated the law of inheritance. Gregor John Mendel एक बहुत बड़े scientist थे जिन्होंने pea plant पे कुछ experiments किए थे जो आप higher classes में पढ़ेंगे. And he formulated the law of inheritance. और इन्होंने inheritance के law को formulate किया था, found किया था. For this reason he is known as father of genetics. और इसी कारण इनको father of genetics भी कहा जाता है. One more scientist worked on the inheritance of new characteristic, that is Dr. Hargobind Khurana. Dr. Hargobind Khurana has written many research papers regarding determination of the inheritance of new characteristics. Dr. Hargobind Khurana ने inheritance of new characteristics, it means new characteristics के generation to generation transfer के बारे में इन्होंने बहुत सारे research papers भी लिखे हैं.
फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज, और इनके इस एक्सीलेंट वर्क के लिए इनको नोबल प्राइज भी अवॉर्ड किया गया. नाउ आर चैप्टर इज कम्प्लीट एंड इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट फैमिली, टाइप्स ऑफ फैमिली, अडॉप्शन, हेरिडिटी कैरेक्टर्स एंड सम साइंटिस्ट. So, I hope you all understand this chapter well. I give you some questions regarding this chapter. You have to complete your work in separate notebook. Thank you.